सब्सक्राइब कीजिए रीता फूड की इस चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए ट्रेंडिंग कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, रीता फूड की इस चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं आम की खीर, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और अगर आपका कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए मैंने आधा कप चावल लिए हैं, जिनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था, और आधा कप कटे हुए आम, एक कप मैंगो प्यूरी, एक लीटर फुल क्रीम दूध, आधा कप चीनी, 7 से 8 किशमिश, कटे हुए अखरोट, 7 से 8 कटे हुए बादाम और आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में दूध ले लिया है और इसको हम उबाल लेंगे। तो देखिए, हमारा दूध उबल चुका है और अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे और हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए, हमारे चावल भी पक चुके हैं और दूध भी पक के आधा हो चुका है। अब हम इसमें अपनी आधा कप चीनी ऐड करेंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। और किशमिश, इलायची पाउडर, और इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसमें चीनी घुल चुकी है और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, हमारी खीर ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें मैंगो पल्प ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटे हुए आम ऐड करेंगे और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारी खीर रेडी हो चुकी है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो हमने खीर को एक बाउल में निकाल लिया है और इसके ऊपर हम थोड़े ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। और कटे हुए आम, हमारी खीर रेडी है। तो आपको ये कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।